तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन पावर्स एंड एबिलिटीज गोकू नेक्स्ट फ्यूचर की। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुरू करते हैं आज की ये ऑसम धमाकेदार खतरनाक वीडियो। तो सबसे पहले गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, गोकू नेक्स्ट फ्यूचर ये गोकू का फ्यूचर का वर्जन है। ये एनिमे वॉर के बाद की स्टोरी है। डार्ट जो कि जिसने सारे के सारे जहनों को बनाया है, डार्ट के अगर मैं आपको डार्ट के बारे में बताऊं तो ड्रैगन बॉल का आप उसे क्रिएटर समझ सकते हैं। उसने सारे के सारे जहनों को बनाया, जैसे हमारा जो टाइमलाइन, जो हमारा मल्टीवर्स का जहनो है ना वो, और जो दूसरे मतलब यूनिवर्सेस के जहनों होते हैं, जैसे कि अकूमा हो गया, लूसीफर हो गया, ज्यूस हो गया, ऐसे जो जहनों होते हैं उसको डार्ट नहीं बनाया है। और जो इस टाइमलाइन का गोकू है ना, वो इस डार्ट का ही रीइंकार्नेशन है। और वो डार्ट की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है अपने गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के पास हैं। वो मतलब वो चाहे तो अपने सारे के सारे जहनों को आराम से इरेज कर सकता है यार, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। तो इस फॉर्म में जो गोकू है वो अब बन चुका है ओमनी किंग, मतलब वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स का लीडर बन चुका है, मतलब रूलर बन चुका है। वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स पर रूल करता है। अगर उसके फिजिकल डिज़ाइन की बात करें तो वो आप हमारे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसकी ब्रेड आई हुई है, मोस्टेज आई हुई है, इसके बाल जो हैं एकदम वाइट हो चुके हैं। इसका जो एक हाथ है वो रोबोटिक हाथ लग रहा है, और उसने एक अपनी अजीब सी गोकू की ड्रेस पहनी है। तो उसकी ओरिजिन एंड फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हमने बात कर दी है, तो अब इसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ पर थोड़े से गौर डालते हैं। तो इसके पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, मतलब इसके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि ये एक ही पंचेस में यूनिवर्सेस मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास गॉड लाइक स्पीड है, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, ये चाहे तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा ट्रैवल फास्ट कर सकता है। इसके पास गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, एब्सोल्यूट इनवर्नेबिलिटी है, इसके पास सुपर ह्यूमन सेंसेस हैं, इसके पास गॉडली की मास्टरी है, इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन है, टेलीकिनेसिस है, टेलीपैथी है, पावरफुल लंग्स, ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंस भी है, ओमनीसिएंट भी है, इसके पास लाइफ एंड देन ट्रांजेंट है, मतलब ये किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है और चाहे तो किसी को भी एक्सटिंक्शन से मिटा सकता है। इसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, इसको पूरे के पूरे ओमनीवर्स की सारी नॉलेज है। नाए ओमनीपोटेंट एंटिटी क्रिएशन है, चाहे तो ये बहुत हज़ारों 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 की तादाद में नाए ओमनीपोटेंट बींग्स को क्रिएट कर सकता है। और इसके पास मास्टर है मार्शल आर्ट्स में, मतलब ये मास्टर है माइंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में। इसके पास मैजिक मैनिपुलेशन है, इसके पास यिंग एंड यांग मैनिपुलेशन है, एंजल क्रिएशन है, एंजल मैनिपुलेशन है, सोल मैनिपुलेशन, स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, कॉस्मिक क्रिएशन, डायमेंशन क्रिएशन, यूनिवर्स रिक्रिएशन, ओमनीवर्स डिस्ट्रक्शन, लाइट मैनिपुलेशन, डायमेंशन ट्रैवल, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, ऑर्डर मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, गैलेक्सी मैनिपुलेशन, रियलिटी वैपिंग। तो यहाँ था हूँ, बहुत सी पावर्स हैं अपने गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के पास। और गाइस, ये भी मैंने कम पावर बताई हैं। अगर मैं इसकी पूरी पावर की लिस्ट रख दूँ और उस पावर को एक एक करके बताने लगूँ ना, तो ये वीडियो एक घंटे से ऊपर चली जाए। तो इस गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के पास ये बहुत सी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। चलो मैं आपको, आपके लिए, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बोनस देते हैं। चलो गोकू नेक्स्ट फ्यूचर को आपको बताता हूँ कि उसको मैं करता हूँ कंपेयर दूसरे यूनिवर्सेस के साथ। जो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं मार्वल यूनिवर्स के साथ। तो गाइस, मैं आपको बताऊँ, जो अपना गोकू नेक्स्ट फ्यूचर है ना, वो इस यूनिवर्स में वन अबव वॉल के लेवल तक जाता है। वो वन अबव वॉल को हरा तो नहीं सकता, पर अगर ये कैनन हो जाए तो वो वन अबव वॉल को भी डिफीट कर सकता है। और अगर डीसी यूनिवर्स की बात करें तो डीसी यूनिवर्स में तो प्रेजेंस को भी हरा देता है। अगर बैंटन यूनिवर्स की बात करें तो बैंटन यूनिवर्स में तो कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो कि गोकू नेक्स्ट फ्यूचर के सामने टिक पाए। मतलब ये जिस भी यूनिवर्स में जाएगा ना, वहाँ का ये गॉड बन जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलेंगे ऐसी ही ऑसम सी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।